हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बैक कैमरा करके बना रही हूँ क्योंकि मुझे बैक कैमरा करके बनाने की आदत ना, फ्रंट से ही बनाऊँ मैं तो। गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 6:20। ऊपर वाले फ्लोर का मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और नहा भी ली हूँ मैं, मंदिर भी साफ कर दिया। अब जा रही हूँ नीचे हनी को लेके, नीचे का मंदिर वंदिर साफ करेंगे, देखेंगे। वैसे आज मैंने पहना ये सूट, सिंपल ये ऐसा ही है। इसकी चुनिया भी क्योंकि अभी काम कर रही हूँ तो फिर ओढ़ी ना जाएगी। हाँ मैंने अभी सूती ओढ़ ली, मेकअप अभी करना रही, काम निकलने के बाद करूँगी मेकअप। तो चलो चलते हैं नीचे, हमें ले लेती हूँ। जो जोड़ दे गाइस, अब अपन पहुँचाने लगूँ। तो मेरे यहाँ पे भी झाड़ू पोछा लग गया। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, मेरी छोटी बहन मेरा आठे मनाती है, हम मनाते हैं मन में, तो उनके भी आज करने वाले, ठीक है। अब उनके साथ घर जा रहे हैं, ऊपर से ही जाएंगे। गाइस पूरी बन गई है सब्जी, हलवा ये ना, ये छोटी छोटी कंजक हमारी आ गई है। स्कूल है हमारे घर के सामने, देख लो कितना अच्छा फायदा। मम्मी से स्कूल में देख गई सुबह। तो गाइस जो मम्मी देखो जो कटे रहा है कन्या ने। नहीं मैं दीदी बना रही हूँ गाइस, देखो सारी मेहनत इसी ने की है। तो गाइस हनी उठ चुका है, ये रो रहा है कि मेरी वीडियो बना। टाइम हो रहे 10 बज रहे गाइस, आज जल्दी उठ गया, 10 बजे रो 10:30 ऐसा उठा है क्योंकि ये सोता भी तो लेट है, 11:30 किसकी बुआ? हनी की बुआ। किधर है? हाँ। हनी की बुआ, अपनी बुआ का नाम बता दो, क्या क्या है? नो नो नो। और मम्मा बुआ का नाम पूछो, हमने कुण बापा ने पूछो। अपने फूफा का नाम बता दो, तेरे फूफा क्या क्या नाम है? क्यों बताऊं? ना बता। तो गाइस ये बैड बॉय बन चुका है, अभी नाम नहीं बता रहे, कोई नहीं मत पता। भाई मेरी हनी बहुत गुड बेटी है, बहुत गुड बॉय है मेरे राजा बेटा। अब आप बता दो गाइस, इसको देखो ये स्कूल नहीं जाता, जब भी इसको इतना आता है। आप बताओ आपके आईज किधर है? ये अरे ढंग से बताओ, मांगी आईज बताओ, आईज देखो क्या आप तक। हाँ वेरी गुड आईज। अब बताओ नोजी किधर है? यस। अब बताओ अपनी टंग निकालो, हाँ यस। रुक जाओ, अब टीथ बताओ, टीथ ये रे। हाँ देखो भाई है ना हनी मेरे गुड बॉय। अभी से तू जान ले, अब ये सोएगा, इसको नींद आ रही है, सो जा। तो चलो गाइस टाइम हो चुका है 10, किचन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। यहाँ पे बस मैं रहनी है, दीदी है, पल्ली पल्ली घर है। हाँ नीचे है बुआ आ रही है। तो हम जाएंगे आज मार्केट, मार्केट जाएंगे हम सदर बाजार। सदर बाजार कौन सा? गुड़गांव वाला सदर, वहाँ पे। तो मम्मी नहा रही है, मम्मी नहा के निकल जाएगी, जोत जोड़ेगी और बर्थ खोलेगी, फिर जब जाएंगे और हम कल बैठेंगे कन्या नौमी को आंजना। अब हनी है नीचे, तो चलो मिलेंगे जब मार्केट में हो। तो हम आ चुके सदर में, टीना दीदी और मम्मी, आज हमें आए हैं चार, सब्जी मंडी है और गली में सारे आगे से फिर जैसे सामान मिलेगा ना, बाजार स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं मम्मी है हमारे दोनों, पकड़ी पौड़ी वाले जैसे सूट चल रहे हैं, ऐसे खाली चल रहे। हाँ हाँ
हर साइज सिंगल एक्स अलग बड़वा और बोले ना ये नहीं लेना मेरे पास सबसे बड़ी साइज के पांच ये कर देना हां ये नीला कलर है ये बयानी कलर है शॉपिंग हमारी हो चुकी है अब हम जा रहे हैं पापा आ गए हमें लेने टिक्के लेके आए और दही पल्ले चावल तो मिलते खाना खाने के बाद तो गाइस अब मेरे साथ है जो आज तो खीर ले ली मेरी भगवान में बन रही है ज़्यादा ना बनाए क्योंकि कोई ना खाएगा माँ भी बीमार है और मम्मी बनती है हमने भी अभी टिक्की खाई है दीदी ने दही भल्ले खाए तो इसलिए थोड़ी बना लिया और हलवा बनेगा किचन मैंने साफ कर दिया सारे बर्तन वर्तन मतलब पूरी किचन साफ होती है आज के दिन हमारी तो आप बन जाएंगे पूजा करेंगे फिर जब मिलेंगे फिर आपको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम क्या क्या सामान लेके आएंगे हम मिलेंगे अब थोड़ी देर में फ्रेंड्स अभी मैं निमटी हूँ काम से 9 बज गए थक गई हूँ बहुत ज़्यादा फेस देख कर फिर कितना बुरा रहा तो हनी आपसे कुछ कहना चाहता है हनी की बात सुन लो पहले बता दर मेरे चोट लगी देखो गाइस इसको कहाँ दिखा पाम में देखो गाइस इसके पैर में चोट लग गई इस पर चला भी नहीं जा रहा और जब तक डोले जा रहा जब तक पाम में लगे अनु करो चलो ना जा रहा तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या क्या लेके आए हैं वहाँ से जितनी भी हमने शॉपिंग करी है थोड़ी बहुत क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही जो सामान रहेगा मम्मी कह रही तुम बाद में जा कर ले आना वैसे भी हम कपड़े ले मेन काम तो हमारा कपड़े लेने गए थे हम बच्चों के छोटे बच्चों के कपड़े क्योंकि मम्मी कल एक फंक्शन में जाएगी पूजन में वहाँ के लिए और खाने के लिए भी लाइए कपड़े और छोटे बच्चों के लिए कपड़े लेके आइए और फिर जो मेन मेन सामान में दिखता रहा तो हम लेते रहे करवा चौथ की थाली और दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या लेके आया तो गाइस ये है थाली करवा चौथ की रेड कलर और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए थे एक ये है इस पर लिखा है हैप्पी करवा चौथ चांदनी पे भी और घड़ी पे भी है नहीं रुक जा और एक डिज़ाइन ये है इसमें लटका है अलग अलग डिज़ाइन है हमने लिए जो जिसको पसंद आएगा वो लिएगा है नहीं उसको जब भाव बुला दो पहन के दिखा रहा मेरा रुक जा बेटा ये खुले हैं छोड़ दे छोड़ दे थोड़ा दिखा लें बैग लग गया तो जब भी इतना कर रहा है हाँ यहाँ पहले देखे बिगाड़ दिया गाइस इसने खोल के हमने पहन कर देखा ना तो इसलिए खोल दिया गाइस ये पता नहीं कौन सी शेड दिख रही है ये वैसे रानी पिंक कलर है दिखाओ हनी ने गाइस पहन के दिखाया दिखा हनी अपने हाथ में दिखा देखो गाइस ऐसा है अच्छा लग रहा है वैसे अब हम चूड़ी चेंज करना चाहते हैं इसकी चूड़ी चेंज कर लें एक है ये अलग डिज़ाइन है और एक ये येलो चूड़ी लेके आए और इसमें हम लाए मेकअप का और थोड़ा सा दिखाती हूँ मेकअप तो क्या मतलब ऐसे ही जेल यूज़ कर एक तो मैं तो लिवॉन का सीरम यूज़ करती हूँ तो मैं अपने लिए लिवॉन का लेके आई हूँ और मेरा ख़त्म हो रहा था वैसे भी दीदी और ये स्ट्रिक्स का करती है ब्लू वाला तो ये इनके लिए था ये दो थे और ये एक मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स भी वैसे फेयर एंड लवली करती हूँ फेयर एंड लवली थी नहीं तो मैंने पॉन्ड्स ले ली पॉन्ड्स भी अच्छी है काफ़ी और यही दीदी यूज़ करती हूँ तो दीदी के लिए भी है एवरयूथ का स्क्रब एवरयूथ का ये गोल्डन ग्लो वाला क्या है पील ऑफ मास्क एक केले का है और ब्लीच कौन सी अच्छी होती है वैसे बताना मैं तो ये ऑक्सी की करती हूँ अच्छी है काफ़ी एक ही गुलाब जल और ये दीदी की और ये मम्मी का कलर है
पैसे ऐसे लिए चार पाँच, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल जाना पड़ता है। बेटे दे दे सामान, देखो गाइस इसके चोट लग रही है, झूठ बोल रहा है, एक नंबर का चोट लग रही है तो भाग रहा है, झूठ बोल रहा है ना। दे दे, ठीक है तेरी मम्मा ना हूँ मैं। गाइस भाग के सामान ले गए, अब ले रही मम्मी। हनी लिया, इतना परेशान कर रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। तो गाइस बस इतना ही सामान था, और तो कपड़े थे, कपड़े तो क्या दिखाऊँ आप लोगों को। हनी जिस दिन पहने को मैं बता दूंगी कि ये वाली लेके आए थे, आधी लिपस्टिक छूट गई आधी रह गई। हनी ले, मंकी दिखाऊं, ओरी मंकी देख टॉफी। कपड़े ज्यादा थे उनमें ही ज्यादा टाइम लगा। इधर रखो, ओ इसका ढक्कन कौन, ढक्कन लेगा उन्होंने मारे गो खोल दो, ढक्कन लेगा पहले आकर जल्दी से फिर देंगे। और कुछ तो मैं मिस नहीं कर रही नहीं, और ज़्यादातर कपड़े थे। हाँ गाइस कपड़े थे, और गाइस लड्डू गोपाल के कपड़े लाए थे जो कि दिखाती हूँ आपको, जो कितने प्यारे से दिखाती हूँ। दो लड्डू गोपाल है तो हम दूसरे साइज भी सेम लाए, जैसे कपड़े मुझे तो बहुत अच्छे लगे जब दोनों एक जैसे पहने रखे हैं ना सेम सेम। तो गाइस मैं ब्लॉग का कर रही हूँ यहीं पे एंड। ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ आईडी ज़रूर देना कि नेक्स्ट ब्लॉग में क्या बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।